3 मई 1999 कश्मीर में कारगिल के बटालिक टाउन में रहने वाले शेपर्ड ताशी नाम ग्याल अपने खोए हुए बैल को ढूंढते हुए एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, जहां से उन्हें कुछ दूरी पर पठानी कपड़े पहने लोगों की एक टोली दिखती है। लेकिन वो दिखने में आसपास के कश्मीरी पठानी लोगों जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, और तो और उनके पास बंदूकें थीं, और वो कारगिल के एक ऊंची पहाड़ी पर अपना बंकर बना रहे थे। तभी ताशी नामग्याल दबे पांव वहां से भाग निकलते हैं और अपने गांव के पास मौजूद भारतीय सेना की चेक पोस्ट पर इस बारे में खबर देते हैं, जो सुनकर सैनिकों को लगता है कि ये कोई पाकिस्तानी आतंकवादियों की टोली होगी, और वो तुरंत हाई कमांड को इसकी खबर देते हैं, क्योंकि 3 महीने पहले ही भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, जहां पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की मौजूदगी में उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी। दोनों देशों में बॉर्डर पर शांति बनाए रखने की बात हुई थी, और आज तक पाकिस्तान भारत से 1947, 1965, 1971 और 1984 में सियाचिन की जंग भी हार चुका था। ऐसे में भारतीय सेना को इस बात पर बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तानी सेना भारत में घुसपैठ करेगी। मगर 2 दिन बाद 5 मई को भारतीय सेना के कुछ जवान इन संभावित आतंकवादियों को कैप्चर करने के लिए कारगिल की पहाड़ियों की तरफ रवाना होते हैं, जहां पहले से ही जाल बिछाए बैठे घुसपैठिए 5 भारतीय सैनिकों को पकड़ लेते हैं और बेरहमी से मार देते हैं। जिसके 4 दिन बाद 9 मई को पाकिस्तानी सेना बमबारी करके कारगिल में भारतीय सेना के गोला बारूद रखने के ठिकानों को नष्ट कर देती है। तब भारतीय सेना को यकीन हो जाता है कि पाकिस्तानी सेना ने भारत में घुसपैठ कर ली है, और इसके साथ ही शुरू हो जाता है एक ऐसा जंग जो इतिहास के पन्नों में आज भी भारतीय सैनिकों की वीरता की मिसाल बनी हुई है। तो आइए जानते हैं कारगिल युद्ध के रोंगटे खड़ी कर देने वाली पूरी कहानी। पाकिस्तान के घुसपैठ की खबर कंफर्म होते ही अपने इलाके वापस कैप्चर करने के लिए इंडियन आर्मी 10 मई 1999 के दिन ऑपरेशन विजय लॉन्च कर देती है, और सैनिकों की कुछ टुकड़ियों को कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में कारगिल बेस पर बुला लिया जाता है। लेकिन अब तक पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन बॉर्डर से पार करके 8 से 9 किलोमीटर अंदर घुस गई थी, और उन्होंने टोलिंग एंड टाइगर हिल्स जैसे कई हाई एल्टीट्यूड पॉइंट्स अपने कब्जे में कर लिए थे। साथ ही द्रास, काक्सर, बटालिक रेंज, छोबर, तबेली और मुश्को सेक्टर्स पर भी अपने बेस बना लिए थे। इस तरह उन्होंने करीब 100 किलोमीटर के एरिया को अपने कब्जे में ले लिया था। इसे लेकर पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हरणजीत सिंह पनाग ने इंटरव्यू में कहा कि ये पाकिस्तानी का बहुत ही जबरदस्त प्लान था। उन्होंने आगे बढ़कर खाली पड़े बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। वो लेह कारगिल सड़क पर पूरी तरह से हावी हो गए। यह उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। आगे उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि पहले 1 महीने हमारा प्रदर्शन शर्मनाक था, क्योंकि एक तो पहाड़ियों में आप नीचे थे और वो ऊंचाई पर थे। दूसरी दिक्कत थी उस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी। तीसरी बात ये थी कि आक्रामक पर्वतीय लड़ाई में हमारी ट्रेनिंग भी कमजोर थी, लेकिन हौसले चट्टान की तरह मजबूत थे। इसलिए भारतीय ऐसा कमबैक कर चुके थे कि पाकिस्तानी सेना को गीदड़ों की तरह भागना पड़ा। खैर, पाकिस्तानी सैनिकों की नजरों से बचते हुए पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए रात का समय चुना गया। हालांकि रात के समय इन पहाड़ियों पर हड्डी जमा देने वाली ठंड पड़ती थी, ऑक्सीजन लेवल भी ड्रॉप हो जाता था, और बिना रोशनी के खड़ी चढ़ाई करना अपनी जान जोखिम में डालने जैसा था। मगर भारत के वीर सैनिकों ने हार नहीं मानी, और 16 मई को द्रास मुश्को सेक्टर, 18 मई को पॉइंट 4296 और पॉइंट 4460 के साथ मुश्को सर से अपने कंट्रोल में ले लिया। मगर माउंटेन रेंज की वजह से ऐसे पिक पॉइंट पर वो कारगिल में थे जिन्हें कब्जे में लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद लेना काफी जरूरी थी। इसलिए 26 मई के दिन कारगिल युद्ध में IFA की एंट्री हुई। हालांकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एयरफोर्स के पायलट्स को यह कमांड दिया था कि आप किसी भी हाल में LOC क्रॉस करके पाकिस्तानी इलाके में एंटर नहीं करेंगे। और अब शुरू होता है ऑपरेशन सफेद सागर, जिसमें एयरफोर्स ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के कई बंकर्स तबाह किए, बल्कि ग्राउंड फोर्स को जरूरी सप्लाईज भी पहुंचाई और ग्राउंड अटैक के दौरान कवर भी दिया। मगर 27 मई के दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इंडियन आर्मी को गहरी चोट पहुंचाई। दरअसल MiG-27 फाइटर जेट उड़ा रहे फ्लाइट ल्यूटिनेंट निचिकेता राव को एक बड़ा धमाका सुनाई दिया। उनका जहाज अचानक से नीचे गिरने लगा। तभी उन्होंने अपने पास ही उड़ रहे MiG-21 फाइटर जेट के कैप्टन स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को इसकी जानकारी दी और फ्लाइट से इजेक्ट कर लिया।
जो सुनकर अजय आहूजा उन्हें ढूंढने के लिए उस डायरेक्शन में आने लगे, तभी पीछे से उनके फाइटर जेट पर हमला हुआ और उन्हें भी इजेक्ट करना पड़ा। दरअसल कारगिल की पहाड़ियों पर छिपे बैठे पाकिस्तानी सैनिक अपने साथ अंजास सर्फेस टू एयर मिसाइल्स लेकर आए थे, जिनकी मदद से उन्होंने इन दोनों फाइटर जेट्स को निशाना बनाया। अब सोल्जर अजय आहूजा एलओसी के बिल्कुल पास उतरे, तभी पाकिस्तान के सैनिकों ने बॉर्डर से घुसपैठ करके उन्हें कैप्चर किया और मार दिया, जबकि सोल्जर निचिकेता राव की लैंडिंग बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में हुई, इसलिए पाकिस्तान के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और काफी टॉर्चर किया। हालांकि इंटरनेशनल प्रेशर आते ही 3 जून 1999 के दिन उन्हें निचिकेता राव को छोड़ना पड़ा। 28 मई के दिन पाकिस्तानी सैनिकों ने एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया, जिसमें सवार 4 इंडियन आर्मी के जवान शहीद हो गए। इन हमलों से भारत को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और अब पाकिस्तानी सेना ने अपनी घुसपैठ के असल मकसद पर काम करना शुरू किया। दरअसल पाकिस्तान कारगिल से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे A1 पर कब्जा करना चाहती थी, जो कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी थी। साथ ही हाईवे आगे सियाचिन तक भी जाता था, जिसे कब्जे में लेने की नाकामयाब कोशिश पाकिस्तान साल 1984 में भी कर चुका था। ऐसे में अगर यह हाईवे उनके कब्जे में आ जाता तो भारतीय सेना सियाचिन तक नहीं पहुंच पाती और पाकिस्तान सियाचिन के साथ लद्दाख के 50% हिस्से को अपने कब्जे में ले लेता। लेकिन अब वक्त था भारत के कमबैक का, कमबैक जिसने पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही, साथ ही सियाचिन के रूप में अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की भी गद्दी हिलाकर रख दी। दरअसल कारगिल युद्ध में अमेरिका लगातार पाकिस्तान का साथ दे रहा था और उसने भारत पर कई सैंक्शंस भी लगा दिए थे, जिससे कोई भी देश भारत को हथियार सप्लाई नहीं कर रहा था। लेकिन चीनी की ढेर में अंदर तक घुस चुकी इन चींटियों को भारत ने मसलना शुरू कर दिया। जहां भारत को एडवांस हथियारों की जरूरत थी, ऐसे में अमेरिका के दबाव में आने के बावजूद इजराइल ने इस मुश्किल दौर में भारत की खूब मदद की। उन्होंने ना सिर्फ भारत के लेजर गाइडेड मिसाइल्स के ऑर्डर को वक्त से पहले डिलीवर किया, बल्कि सर्वेलेंस ड्रोन्स भी इसे दिए, ताकि इन घुसपैठियों को खोजा जा सके। इसके अलावा इजराइल ने भारत को लाइटनिंग इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉड्स दिए, जिनकी मदद से एयरफोर्स के पायलट छिपकर बैठे इन पाकिस्तानियों को ढूंढ पाते थे और निशाना साधकर बम गिरा सकते थे। हालांकि IAF के पास सिर्फ 60 लेजर मिसाइल्स थीं, जो काफी नहीं थीं, इसलिए वायुसेना ने एक जुगाड़ निकाला और अपने पास पड़े डंब बम्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कहीं पर भी टारगेट साधने में काबिल नहीं थे। लेकिन पायलट्स पहले लाइटनिंग पॉइंट्स से टारगेट खोजते थे, फिर उसके ठीक ऊपर जाकर बम गिरा देते थे, जिसके अगले कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना के दर्जनों बंकर्स तबाह हो गए और पाकिस्तान के घुसपैठ ऑपरेशन की नींव हिल गई। अब बारी थी ग्राउंड फोर्सेस के कमबैक की, जिसके लिए टोलुइंग पहाड़ी को कैप्चर करना काफी जरूरी था। लेकिन 16,000 फीट की ऊंचाई, -11 डिग्री तापमान, खड़ी चढ़ाई और पहाड़ी के टॉप पर बैठे दुश्मनों की अंधाधुंध फायरिंग के बीच इस मिशन की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी, इसलिए सैनिकों ने चढ़ाई करने के लिए वो रातें चुनी जब चांद नहीं निकलता था, ताकि रोशनी काफी कम हो। इसे लेकर कैप्टन अजीत सिंह बताते हैं कि हम ज्यादा सामान उठाकर भी चढ़ाई नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें चुनना पड़ा था कि हमें 2 किलोग्राम राशन लेना है या फिर 100 बुलेट्स। हमें से ज्यादातर जवानों ने बुलेट्स चुनी और 3 दिनों तक बिना खाए सिर्फ टारगेट के सहारे, सिगरेट के सहारे जिंदा रहे। कारगिल युद्ध को लेकर वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिंह बताते हैं, फौज में एक कहावत होती है कि माउंटेन इट्स ट्रूप्स, यानी पहाड़ सेना को खा जाता है। अगर जमीन पर लड़ाई हो रही हो तो अटैक फोर्स डिफेंस फोर्स से कम 3 गुना बड़ी होनी चाहिए, लेकिन कारगिल जैसी पहाड़ियों में यह नंबर 27 गुना तक पहुंच जाता है। यानी अगर पहाड़ की चोटी पर दुश्मन का एक जवान बैठा हुआ है तो उसको हटाने के लिए आपको 27 जवान भेजने होंगे, मगर इतने सारे जवान अगर जाते तो पाकिस्तानियों को इसकी खबर लग जाती। तो मिनिमम फोर्स के साथ मेजर राजेश अधिकारी ने एक कंपनी को लीड किया, जिन्होंने पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की और इनकी कंपनी काफी हद तक सफल भी हुई। लेकिन जब ये चोटी से मात्र 15 मीटर की ऊंचाई पर थे तो पाकिस्तानी सैनिकों ने इन्हें देख लिया और ओपन फायरिंग शुरू कर दी, जिस वजह से इन्हें पीछे हटते हुए चट्टानों में छिपना पड़ा। यानी अब इनकी टीम जमीन से 15,000 फीट की ऊंचाई और चोटी से 1,000 फीट नीचे फंस चुकी थी, जिनमें मदद पहुंचाने के लिए कर्नल रविंद्रनाथ ने 90 सोल्जर्स की टीम बनाई और 12 जून को ये टीम फंसे हुए सोल्जर्स तक पहुंचने में कामयाब हुई, जिन्हें खाना पानी और हथियार दिए गए। और टोलिंग पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले से पहले रविंद्रनाथ ने एक फाइनल स्पीच में कहा, मैंने आपको वो चीजें दे दी जो आपको चाहिए थी, अब आपको मुझे वो देना है जो मुझे चाहिए, यानी टोलोलिंग पर जीत। हालांकि ये मिशन काफी मुश्किल था,
जिसमें मेजर विवेक गुप्ता और उनकी 6 सोल्जर्स की टीम शहीद हो गई। लेकिन सेना का हौसला नहीं टूटा और आखिरकार भारतीय सेना ने टोलोलिंग पर जीत हासिल कर तिरंगा फहराया, जिससे सेना के अन्य जवान भी जोश में भर गए और उन्होंने कई पॉइंट्स पर कंट्रोल वापस लेने में अपना जी जान फूंक दिया, जिससे उन्हें विजय भी प्राप्त हुई। इसलिए बैटल ऑफ टोलोलिंग को कारगिल युद्ध का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अब टोलोलिंग के बाद जो दूसरी सबसे ऊंची पॉइंट्स थी पाकिस्तानियों के कब्जे में, वो था पॉइंट 5140, जिसकी ऊंचाई 17,000 फीट थी, जिसके लिए 2 ग्रुप्स बनाए गए, जिसमें से पहले ग्रुप को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट संजीव जामवाल और दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम था शेरशाह। जी हाँ, शेरशाह फिल्म उनके जीवन पर बनी है। इन दोनों सोल्जर्स को अपनी विक्ट्री सिग्नल चुनने के लिए कहा गया ताकि वो आर्मी को अपनी जीत की खबर दे सकें, जिसमें संजीव जामवाल ने चुना ओह ये और विक्रम बत्रा ने चुना ये दिल मांगे मौत, और दोनों ही टीम पॉइंट 5140 को कैप्चर करने में सफल रही। अब कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी टीम के साथ अगले मिशन पर निकल गए, जिनमें उन्हें पॉइंट 4875 नाम की पहाड़ी को कैप्चर करना था, और 8 जुलाई 1999 के दिन इन्होंने इस माउंटेन पीक को भी कैप्चर कर लिया। लेकिन वहां एक पाकिस्तानी सैनिक छिपा बैठा था, जिसने कैप्टन बत्रा को पीठ पीछे गोली मारी, जो उनकी छाती को चीर कर आगे निकल गई, वो शहीद हो गए। यहां में भारतीय सेना के वीर जवान योगेंद्र सिंह यादव की वीर गाथा भी याद आती है, जिन्होंने 3 जुलाई के दिन टाइगर हिल्स को पाकिस्तानियों से वापस लाने के मिशन में हिस्सा लिया। इनकी प्लाटून 1000 फीट की खड़ी चढ़ाई कर रही थी, तभी दुश्मन को इनके बारे में पता चल गया। ऊपर से इन पर मशीन गन से फायरिंग की गई और रॉकेट्स तक बरसाए गए, जिससे प्लाटून कमांडर और 2 सैनिक शहीद हो गए। लेकिन 19 वर्षीय ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह गोलियां खाने के बावजूद अपनी चढ़ाई कंटिन्यू करते रहे और ऊपर पहुंचकर दुश्मन के बंकर पर ग्रेनेड फेंककर 4 दुश्मनों को मार गिराया। इनकी हिम्मत देखकर प्लाटून के बाकी सोल्जर्स में भी हौसला जाग उठा और सभी ने मिलकर टाइगर हिल्स पर दुश्मनों के सभी बंकर तबाह कर दिए। ये जंग सिख ग्रेनेडियर और नागा के नाम की 3 प्लाटून ने करीब 12 घंटे तक लड़ी थी, जिसमें योगेंद्र सिंह यादव को 15 गोलियां लगी थी, लेकिन वो सर्वाइव कर गए, जिसके बाद योगेंद्र यादव को उनकी असाधारण वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। इस बीच अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इस जंग को लेकर बातचीत की, जिसमें अटल जी ने साफ साफ कह दिया, या तो पाकिस्तानी सेना खुद अपने देश वापस चली जाए या फिर हम बलपूर्वक उन्हें भारत की सीमा से खदेड़ फेंकेंगे। अटल जी की ये बात सुनकर घुसपैठ करने वाले अपराधियों का साथ देने वाले प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के पसीने छूट गए। तभी अटल जी ने अपनी कड़क आवाज में बिल क्लिंटन से कहा, मैंने सुना है पाकिस्तान इस युद्ध में परमाणु हथियार का भी इस्तेमाल कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए अगली सुबह का सूरज निकलने से पहले तक पूरा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। अटल जी की बात सुनकर बिल क्लिंटन समझ गए कि भारत में घुसपैठ करके पाकिस्तान ने काफी बड़ी भूल कर दी है और उसका साथ देकर हम भी इस गलती के भागीदार बन चुके हैं। ऐसे में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर दबाव डालना शुरू किया कि अपनी सेना को वापस बुलाओ। लेकिन सेना के लीडर परवेज मुशर्रफ ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि 1984 में सियाचिन युद्ध में भारत के सैनिकों ने उन्हें धूल चटा दी थी। इसलिए अपनी अकड़ में व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए उन्होंने कारगिल पर हमला शुरू किया था। मगर अब एक तरफ से इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा था और दूसरी तरफ भारतीय सेना घुसपैठियों को चुन चुन कर मार रही थी। इसलिए 11 जुलाई के दिन पाकिस्तानी सैनिक बॉर्डर से वापस अपने देश चले गए और 14 जुलाई के दिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को मिली सफलता की घोषणा कर दी। इस जंग में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए, जबकि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की घुसपैठ सेना के 2700 से 4000 सिपाहियों को मार गिराया, और उस दिन के बाद पाकिस्तान ने आज तक भारत के सामने सीधी जंग छेड़ने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, अगर आपको भी कारगिल युद्ध में भारत को विजय दिलाने वाले भारतीय सैनिकों पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय हिंदुस्तान जरूर लिखिए, ताकि अगर कोई भी सोल्जर या उनके परिवार वाले ये वीडियो देख रहे हों तो उन्हें पता चले कि हम भारतीय हमारे सैनिकों के बलिदान की कितनी दिल से कद्र करते हैं। यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए, और ऐसे ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद जय भारत।